हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? होप करते हैं आप लोग अच्छे मूड अच्छे रहे ना। सो गाइस, इस वीडियो में बताऊंगी आप लोगों को फ्री फायर एनिमेंट कब देखने को मिलेगा एंड प्ले स्टोर से आप लोग फ्री फायर डाउनलोड कब कर पाओगे। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखना एंड गाइस, इंडिया, बांग्लादेश एंड नेपाल के लिए बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ है। सो गाइस, चलो बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो गुड न्यूज़ ये है कि गाइस, आप लोग को इंडिया एंड बांग्लादेश नेपाल तीनों ही सर्वर सेम होने वाले। तो गाइस, आप लोग को पता होगा वन ईयर पहले बांग्लादेश का सर्वर को अलग कर दिया था गरीना ने। सो गाइस, अभी तो इंडिया के प्लेयर बहुत ही कम हो चुके हैं खेलने वाले बंदे। सो गाइस, गरीना फिर से ही नेपाल एंड बांग्लादेश एंड इंडिया तीनों ही सर्वर को सेम कर रही है। मतलब गाइस, बांग्लादेश, इंडिया एंड नेपाल तीनों का सर्वर एक ही होने वाला है एंड आप लोग इंडिया के प्लेयर हो के आप लोग बांग्लादेश के प्लेयर के साथ खेल सकते हो एंड नेपाल प्लेयर के साथ भी खेल सकते हो पहले के जैसा कर रहे हैं। सो गाइस, गरीना का ये अपडेट आप लोगों को कैसा लगा, ये आप लोग को OV39 अपडेट के बाद देखने को मिलेगा। सो गाइस, सर्वर सेम रहेगा तो आप लोग बांग्लादेश एंड नेपाल के बंदों के साथ खेल सकते हो पहले के जैसे। सो गाइस, आप लोग को समझ आ गया होगा एंड गाइस, इंडिया में आप लोग को फिर से एक स्पॉट देखने को मिलेगा। सो गाइस, बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं, मैं आप लोग को कल की वीडियो में बहुत सारे चेंजेस बताऊंगी। सो गाइस, कल की वीडियो देख लेना एंड गाइस, OV39 का अपडेट आने वाला है 22 मार्च को, जहाँ पे 22 मार्च को आप लोग को फ्री फायर देखने को मिल जाएगा प्ले स्टोर के अंदर। बांग्लादेश एंड नेपाल के अंदर तो पहले से ही प्ले स्टोर के अंदर आप लोग को इंडिया में भी देखने को मिल जाएगा फ्री फायर कम बैक करेगा, तो आप लोग को 22 या 23 मार्च तक देखने को मिल जाएगा। एंड गाइस, 22 मार्च को आप लोग को बहुत ही बड़ा मेंटेनेंस देखने को मिलेगा। मतलब गाइस, बहुत ही ज़्यादा देर तक आप लोग को देखने को मिलेगा क्योंकि गाइस तीनों सर्वर को एक करेगी गरीना। सो गाइस, तीनों सर्वर को एक करेगी तो बहुत ही टाइम तक आप लोग को शायद देखने को मिल सकता है मेंटेनेंस, बट देखते हैं गाइस कब खुलता है गेम 22 मार्च को। सो गाइस, आप लोग को पता है रिडीम सीट भी शट डाउन कर दिया था गरीना ने। सो गाइस, फिर से वापस आ चुका है, तो गाइस 1 ईयर हो चुका है एंड गाइस रिडीम सीट को भी गरीना ने फिर से न्यू बना के फिर से डाला है। सो गाइस, कमबैक तो करेगा गेम, ऐसे ही लग रहा है। सो गाइस, गरीना के पास ये लास्ट चांस है, 1 ईयर हो चुका है, तो गाइस फ्री फायर वापस अभी आएगा। तो गाइस, हो सकता है फ्री फायर को पहले से बंदे प्यार करें एंड खेलने लगे, बट गाइस अभी नहीं आएगा फ्री फायर एंड बाद में कमबैक किया गरीना ने। सो गाइस, अब तक तो कोई खेलेगा ही नहीं फ्री फायर क्योंकि गाइस इंडिया के ही गेम आने वाले हैं, दो दो बैटल रॉयल गेम जो फ्री फायर से बहुत ही अच्छे होने वाले। सो गाइस, फ्री फायर बाद में वापस आएगा तो कोई खेलेगा नहीं क्योंकि गाइस इंडिया में दो दो बैटल रॉयल गेम आने वाले हैं इंडिया के, तो गाइस इंडिया को छोड़ के कोई किसी को क्योंकि सपोर्ट करेगा एंड गाइस इंडिया का गेम आएगा तो इंडिया को ही सपोर्ट करेंगे ना सब। सो गाइस, फ्री फायर का ये लास्ट चांस है कि फ्री फायर वापस आ जाए प्ले स्टोर में। बाकी गाइस, आप लोग को पता है फ्री फायर क्यों बैन हुआ था एंड गाइस, फ्री फायर बैन हुआ है इसलिए फ्री फायर मैक्स में कोई खेल नहीं रहा क्योंकि गाइस उनको लगता है फ्री फायर मैक्स भी बैन हो जाएगा तो गाइस इतनी अच्छी आईडी बना के एंड इतना खेल के मेहनत करके आईडी बनाओ फिर बैन हो जाए तो क्या ही फ़ायदा होगा। सो गाइस, फ्री फायर आएगा तो बंदे खेलेंगे भी एंड फ्री फायर मैक्स होगा तो गाइस बहुत ही बंदे और कम होते जाएंगे, तो गाइस फ्री फायर बाद में कोई खेलेगा या नहीं। सो गाइस, फ्री फायर को वापस आना चाहिए एंड कमबैक करना चाहिए 22 मार्च को, बट गाइस देखते हैं क्या होता है। सो गाइस, होप करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना एंड चैनल पर न्यू हुआ है तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो गाइस, मैं मिलता हूं आप लोगों को जल्दी न्यू वीडियो में, तब तक ले टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग।